हम देखेंगे शेयर लेसिंग। शेयर लेसिंग बनाने के लिए दो लकड़ी का इस्तेमाल होता है। शेयर लेसिंग दो प्रकार से बनता है। आज हम देखते हैं शेयर लेसिंग मार्क वन। शेयर लेसिंग मार्क वन बनाने के लिए एक लकड़ी में पहले क्लोविज बना लेंगे। क्लोविज आप लोगों को बता दिया गया है, पहले आप देख चुके हैं कि क्लोविज कैसे बांधा जाता है। इस प्रकार से टाइट कर लिया है, ये हमारा बन गया क्लोविज। अब क्लोविज बनाने के बाद इन दो लकड़ी को जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए इसमें ऐसा राउंड राउंड 6-7 बार गोल घुमा के राउंड बना लेंगे। इसमें ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा टाइट होना जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा ढीला भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब इसको हम कसावट के लिए फ्रैपिंग करेंगे तब ये अपने आप टाइट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो जाए, जिससे हमारा फ्रैपिंग करने के बाद भी ये लूज ही रह जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा रोल हो गया है, 6-7 बार हम इसको गोल घुमा चुके हैं। अब इसमें हम करेंगे फ्रैपिंग। फ्रैपिंग के लिए लकड़ी के एक हिस्से में इसको टाइट बांध लेंगे और उसके बाद 3 बार इसमें फ्रैपिंग होता है। 1, 2, 3 3 बार फ्रैपिंग होने के बाद ध्यान रखना है कि ये फ्रैपिंग एक के ऊपर एक ना चढ़ जाए। अब 3 बार फ्रैपिंग होने के बाद पहला क्लोविज हम इस डंडे पे बांधे थे, अब दूसरा क्लोविज जो आखिरी करेंगे हम दूसरे डंडे में बांधना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेसिंग का यही एक नियम होता है, जहां से शुरुआत किए हैं खत्म उसमें नहीं करना है। आज हम क्लोविज बांधने का एक और तरीका सीखते हैं, वो होता है 2.5 इंच। अगर आपका 2.5 इंच कंप्लीट हो जाता है तो वो क्लोविज बन जाता है। उसी प्रकार से हम ये 1.5 इंच बना लिए और 1.5 इंच। जब इसको हम टाइट कर देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये क्लोविज बन के तैयार है। ये देखिए, ये क्लोविज तैयार है। तो ये हमारा हो गया शेयर लेसिंग मार्क 1।